कनेक्ट है। महेश तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड पे और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। ये कचरे में दरअसल आग लगा दिया गया था जिसका धुआं पूरे मुंब्रा शहर में, यूँ बोले कि एमएम वली वाला जो पूरा रास्ता है हॉस्पिटल के पास और इधर जो बगल में सब सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर काफ़ी धुएं से लोग परेशान हो गए। यहाँ तक कि ये रास्ता भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो कचरा फेंका गया है, जो यहाँ पर कचरा डंप किया गया था और इसमें आग लगा दी गई और इसी वजह से यहाँ पर जहरीला धुआं, आप देखेंगे ये कचरों से जो जहरीला धुआं निकल रहा है ये पूरे मुंब्रा शहर में फैल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ठाणे महानगर पालिका सेहत और स्वास्थ्य की हर वक्त नसीहत देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठाणे महानगर पालिका की ही लापरवाही है जो यहाँ पर मित्तल में कचरा डंप किया जा रहा था और इसका जो है विरोध भी किया जा रहा था। कल रात में रीदा रशीद के विरोध करने पर यहाँ से कई गाड़ी कचरा भी हटाया गया, लेकिन जो बचा हुआ कचरा था उसमें जो है आग लगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि ये जहरीला धुआं अब पूरे शहर में फैल रहा है और दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर भी पहुँची है और इसे अब बुझाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करेंगे, क्या बताएंगे ये कब से इसमें आग लगाया गया, कल रात में तो ये कचरा उठाया जा रहा था यहाँ से, ये सुबह से इसमें आग लगी हुई है, कोई इस पर काम नहीं कर रहा है भाई। तो फ़ोन करके 10 जगह मैंने फ़ोन किया तब जाके ये बंकर वाले आए हुए हैं और ये बुझा रहे। हमारा प्रोग्राम है, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है, हमारी मजली से हमने बताया भी, कल भी न्यूज़ के माध्यम से भी बताया हमने कि हमारा यहाँ प्रोग्राम है, हम लोगों की मजली से यहाँ से कोई लोग गुजर नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। और हमारा तो छोड़िए, पूरे मुंब्रा में छोटे छोटे बच्चों की बीमारी है, ये जो दो चार महीने के बच्चे है, जो 10-12 दिन के पैदा हुए बच्चे हैं उनके लिए ये जहर है, उनकी जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी, उनकी बहुत छोटी जिंदगी हो जाएगी, उनके घर वालों को पता नहीं चलेगा कि ये किस वजह से हुआ है। ये जो जहर का धुआं है ये आज के बच्चों लोग की जिंदगी छोटी कर देगा, ये धुआं फेफड़ों में जाके उनको नई नई बीमारियां पैदा होगी। यहाँ कोई एक्शन लेते नहीं है, ये 12वीं 13वीं बार आ चुके हैं, ये 12वीं 13वीं बार ये आग जो बुझाने का काम है, जो हमारा फायर ब्रिगेड है, ये हमारे हादसों के लिए होता है, ना कि ये कचरा यहाँ फेंकेंगे और ये 12 बार 15 बार आके इनका यही काम है खाली कचरा बुझाना। तो ये हादसों के लिए हमारा फायर ब्रिगेड हमारे लिए होता है, हमारी जान की सुरक्षा करने के लिए, ना कि कचरा बुझाने के लिए। यहाँ पे मुंब्रा के फायर ब्रिगेड वालों को धुआं देखा जा रहा है कि बहुत दूर तक है, मेमोली हॉस्पिटल है, ये पूरा परिसर पूरा हॉस्पिटल है, जिस तरफ हवा जा रही है ये धुआं उस तरफ जा रहा है, एरोली जा रहा है, डोंबेवली जा रहा है, दीवा जा रहा है, इधर तलोजा तलक जा रहा है पूरा धुआं। ये पिछले 8 घंटे से जल रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, पिछले 8 घंटे से ये धुआं पूरे मुंब्रा में फैल रहा है। अब ये बताएंगे कि ये ठंडी है, ये कोहरा है, ये कोहरा नहीं है, ये कचरे का धुआं है, हर जगह कचरे को जलाया जा रहा है, कोई सिस्टम। ये कचरा तो रात में उठाया जा रहा था, अभी दिखाने के लिए इस्लामुद्दीन भाई 4-5 गाड़ियां उठाते हैं दिखाने के लिए, फिर जेसीबी से फैला देते हैं, उस पे मट्टी डाल देते हैं। तो आग किसने लगाया इसमें? इसमें कोई आग नहीं लगाता है, आप जब किसी भी चीज को कोई भी केमिकल उसमें कचरा होता है। हम लोग कल या परसों जो है न्यूज कवर करके गए तब इसमें आग नहीं लगी थी, देखिए रात में भी यहाँ पर कचरा उठाया गया तो आग नहीं लगी। सुनिए, जब रात होती है ना 12 के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे जमीन हीट होती है, नीचे से जमीन हीट होती है, इसके अंदर गैस बनती है और इसके अंदर अपने आप आग लगती है, कोई आग नहीं लगाता, ये इतना जहरीली चीज है कि ये ऑटोमेटिकली जलता है गैस बन के, नीचे जमीन गर्म होती है, इसमें क्या नहीं है, कौन से ऐसी गंदगी नहीं है इसमें, कौन से ऐसे गंदगी चीज नहीं है, घर की फैमिली की है वो गू संडास हर चीज इसके अंदर है, बहुत सी ऐसी चीजें जो बोल नहीं सकते हम, नाम नहीं ले सकते उसका भी धुआं। अच्छा, नेताओं को क्या बोलोगे जो शहर के नेता लोग हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी आश्वासन देते हैं और सिर्फ गुंडागिरी दिखाते हैं, यहाँ के जो है ये गुंडागिरी दिखाएंगे। इस्लामुद्दीन भाई, इन्होंने क्या किया, इतने साल से ये यहाँ पे है, इन्होंने आज तक किसी कचरे के लिए कोई एक प्रॉपर जगह बनाया कि जहाँ पे प्रॉपर जाके इसको डिस्पोज कर सके? मुंब्रा में बास मारता है, हम लोग घर से निकलते हैं, क्या करते हैं सुबह से शाम तक बदबू का सामना करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारे कचरे यहाँ पे डंप कर देते हैं, एमएम वैली के वहाँ पे डंप कर देते हैं, आगे आप जाएंगे वहाँ पे डंप कर देते हैं, जहाँ इनको ज्यादा कंप्लेन आने लगती है वहाँ से ये 2-4 गाड़ी उठाते हैं और उसके बाद में ऐसे ही जगह पे लाके ये डंप कर देते हैं। इन्होंने आज तक का, आप मुझे बता दीजिए इस्लामुद्दीन भाई, कोई ऐसा प्रॉपर डिस्पोजिशन का इन्होंने बनाया है इंतजाम कि ये जो कचरा है वहाँ ले जाके डिस्पोज कर दिया जाए?
इसमें प्लास्टिक है, इसमें पैम्पर है, इसमें मुर्गी का कचरा है, इसमें जानवर आते हैं बीमार पड़ते हैं, इसमें इंसान बीमार पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये जो हालात है पूरा धुआं ही धुआं है, जिधर का हवा चल रहा है उधर जा रहा है धुआं। प्रोग्राम में नहीं जा सकते कोई, यहाँ पे गाड़ियां रुक गई है, औरतें खड़ी हो गई, आगे रास्ता नहीं दिख रहा है तो जाएगा कैसे इंसान। आप खुद दिखा के अपने कैमरामैन को बोलिए, ये देखिए ये जो है ये रास्ता है, ये पतरे से लग के ये रास्ता है, नहीं दिख रहा है। आज वहाँ पे मजलिस का प्रोग्राम है, यहाँ पे औरतें जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, ये सारे कचरे का धुआं वो ले रहे हैं। आप पूरे एमएम वैली पे देखिए, हमने वीडियो बनाया है, पूरे एमएम वैली पे इसका कचरे का धुआं फैला हुआ है। तो यही धुआं सिर्फ हमको ही नहीं नुकसान कर रहा है, हमारे बच्चों को नुकसान कर रहा है। मैं यहाँ के कॉर्पोरेटर लोग से बोलना चाहूंगा कि इसका कोई एक प्रॉपर ऐसा इंतजाम किया जाए। सबको मालूम है, सब कॉर्पोरेटर को मालूम है, कॉर्पोरेटर तो फिलहाल कोई है नहीं, लेकिन जो थे सबको मालूम है, कोई आ नहीं रहा है। इस्लामुद्दीन भाई, जितने कॉर्पोरेटर नेता सोशल मेन रोड पे भी जो कचरे हैं उनके लिए भी कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी जो है इनके लिए भी कोई नहीं आ रहा है। इस चीज से मुमरा की पब्लिक को सबक लेना चाहिए कि जो हमारे आज के चुने हुए कॉर्पोरेटर थे, भले वो आज कॉर्पोरेटर नहीं है, माजी है, लेकिन उनको यहाँ के लोगों के लिए देखना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इस चीज़ से मुमरा की पब्लिक सबक ले सकती है कि वो सिर्फ अपने मतलब आने पे खड़े रहते हैं। आज आप यहाँ से घुमा के दिखा दीजिए, कोई भी नेता खड़ा हुआ है, 8 घंटे से ये जल रहा है, ये धुआं पूरे मुमरा में फैल रहा है, इसमें आपको हर तरीके का कचरा मिलेगा। तो ये नुकसान जब बच्चे बीमार पड़ेंगे, ये नुकसान कौन भर के देगा? और इसमें कॉर्पोरेटर, सोशल वर्कर, ये अपने बीवी बच्चों को ये भी नहीं बचा पाएंगे इस धुएँ से। उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये जाम जनता धुआं लेगी और उनके बच्चे नहीं लेंगे, उनके भी बच्चे ये धुआं लेंगे, तो उनको पहले उठ के आना चाहिए, उनके पास पावर है। हम लोग तो अब हम लोग बेगर पावर के आम लोग हैं, मगर जिसके पास पावर है, जिसके पास फोन का दम है, उनको ये सब करना चाहिए आगे बढ़ के। क्या भाई, खाली हो गई क्या? अभी देखेंगे, आपकी जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो आग बुझा रहे हैं, हालांकि काफ़ी धुआं इसमें से निकल रहा है, हवा जो है रुख बदलते रहते, कभी इधर हवा की रुख है तो कभी इस तरफ है, और यहाँ से काफ़ी जहरीला धुआं निकल रहा है। और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो फ़िलहाल जो इस तरफ पे आग से धुआं हो रहा था इधर का बुझा दिए हैं, अभी फ़िलहाल उस साइड से जा रहे हैं, बाकी का जो ये हिस्सा है इस तरफ से जो धुआं निकल रहा है इसे भी बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शिया समुदाय का जो कब्रिस्तान है वो पीछे के तरफ में है और इनका प्रोग्राम भी वहाँ पर हो रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना भी है। और यहाँ से जो बहरहाल जहरीली धुआं निकल रही है, हम एमएम वली हॉस्पिटल से होते हुए आए हैं और पूरे रोड पे ही वहाँ पर धुआं धुआं है। इस साइड में देखेंगे आप तो इधर भी धुआं ही धुआं है, और धुआं होने की जो वजह है वो ये जहरीला धुआं है, जो कल रात में यहाँ पर रिदा रशीद के विरोध करने के बाद, कई मनपा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यहाँ से कई गाड़ी जो है कचरा उठाकर लेकर जाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो कचरा यहाँ पर बचा हुआ था, बताया जा रहा है उसमें किसी ने आग लगा दिया या आग खुद लग गई, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे शहर में ये जहरीला धुआं फैल रहा है।